आज हमारी काशी का नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में अंकित होगा और आज हमारी काशी स्वर्ग जैसा मनोरम दृश्य हो गया हमारी काशी का। माननीय हमारे मोदी जी यहाँ पर आगमन हुआ, हमारे काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ, आज हमारे काशी का दृश्य ही एकदम स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा है। दिव्य काशी, भव्य काशी, बहुत ही आनंद आ रहा है हम लोग को कि यहाँ पे नमामि गंगे की सदस्य भी हम लोग हैं। यहाँ पे सुबह सुबह हम लोग करके आकर के यहाँ सफाई भी करते हैं, कई सालों से हम लोग जुड़े हुए हैं, सबको जागरूक करते हैं जनता को कि आप लोग भी सफाई रखिए, यहाँ पे साबुन मत लगाइए, यहाँ पोलिथीन मत फेंकिए, कुछ भी पानी में आप लोग मत फेंकिए, इससे गंदगी ही फैलेगी। नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आप इस समय देख सकते हैं मैं काशी विश्वनाथ में दशाश्वमेध घाट पर हूँ, जहाँ पे गंगा आरती हो रही है और नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पे शिप पे क्रूज पे हैं। तो आज हमारे साथ हैं नमामि गंगे की टीम, तो इनसे जानेंगे कि नमामि गंगे के तहत जिस तरह से लोग बोल रहे हैं कि नमामि गंगे के तहत गंगा का जो कचरा कूड़ा है वो सारा साफ किया जाता है और उस पर किस तरह से ये लोग काम करते हैं, तो इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रंजीता गुप्ता। तो नमामि गंगे टीम क्या काम करती है गंगा जी के? जी, नमामि गंगे की टीम गंगा की सफाई करती है और आज प्रधानमंत्री जी आए हैं इसी उपयोग में हम लोग यहाँ पर। आपको क्या लगता है आज की तारीख स्वर्ण अक्षरों में हिंदुस्तान के इतिहास में, देश के, दुनिया के इतिहास में लिख गया है और नमामि गंगे का क्या योगदान रहा है? हमारी नमामि गंगे का हमारे राजेश शुक्ला जी जो संयोजक है उनके मार्गदर्शन में हम लोग प्रतिदिन सुबह यहाँ पे माँ गंगा का स्वच्छता और जागरूकता यहाँ पे करते हैं, जन जन को जागरूक करते हैं कि माँ गंगा में प्लास्टिक, कूड़े, कचरे और उतरन कपड़े ना उसमें विसर्जित करें। और आज तो आपने सही कहा कि आज हमारी काशी का नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में अंकित होगा और आज हमारी काशी स्वर्ग जैसा मनोरम दृश्य हो गया हमारी काशी का। माननीय हमारे मोदी जी यहाँ पर आगमन हुआ, हमारे काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ, आज हमारे काशी का दृश्य ही एकदम स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा है। आप लोगों की तरफ से इस तिथि के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए थे? हम लोगों ने आज यहाँ सुबह से स्वच्छता और जागरूकता का प्रोग्राम किया है और जन जन को जागरूक किया है और संकल्प दिलाया है लोगों को कि माँ गंगा को स्वच्छ रखेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। प्रधानमंत्री जी को आप लोग और देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हम नमामि गंगे की टीम की तरफ से उनका सादर अभिवादन करते हैं और उनके कार्यों से हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और आगे उनका योगदान हम काशीवासियों पर उनका आभार इसी तरह हम लोगों को मिलता रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे। अभी मोदी जी का कल का भी यहाँ पे प्रवास है तो कल के लिए आप लोगों ने क्या क्या तैयारियाँ की? कल सुबह हम लोग यहाँ स्वच्छता और जागरूकता यहाँ प्रतिदिन की भांति यहाँ पे हम लोग स्वच्छता और जागरूकता अभियान चलाएंगे और मोदी जी से हम लोग अगर रूबरू मिल लिए तो ये हम लोगों का सौभाग्य होगा। चलिए, क्या नाम है आपका? रेखा चौरसिया। रेखा जी, कितने साल से आप नमामि गंगे से जुड़ी हुई हैं? 3-4 साल हो गया। 3-4 साल हो गया। क्या क्या कार्य आप लोग करते हैं माता गंगे के लिए? वो हम लोग जो ये लोग माला, फूल, पन्नी वगैरह सब डाल देते हैं, बहुत से लोग तो गंदे कपड़े डाल देते हैं, इतनी गंदगी कर रखते हैं, वही हम लोग आते हैं और सुबह 2 घंटा लग के हम लोग खूब सफाई करते हैं। हमारे सर राजेश शुक्ला जी हैं, वो सबको संदेश भी देते रहते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ की जनता ध्यान नहीं दे पाती है और पहले से तो अब काफी बदलाव हो गया। हम लोग पूरा जितनी हम लोग के 84 घाट है, हम लोग पूरे घाट पे बारी बारी से पूरे घाट पे सफाई करते रहते हैं। 13 दिसंबर 2021 ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है और नमामि गंगे का नाम भी उसके साथ में जुड़ा है, क्योंकि नमामि गंगे और आपकी टीम पूरी मिल के जिस तरह गंगा जी के लिए आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं, इस पे आप लोगों को कितना गर्व होता है और कैसे लगता है? बहुत अच्छा लगता है और सबसे बड़ी बात तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ये चला गया है, यही बहुत अच्छा लगता है कि उनको ये सब देख के बड़ा अच्छा लगता होगा कि काशी जी में हमारा भी कोई सुनने वाला, करने वाला, समझने वाले, माँ गंगा को समझने वाले हमारे हैं परिवार वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है। आप ये बताइए कि आज के काशी में
और पीछे की 8 साल पहले की काशी में क्या अंतर आ गया? बहुत अंतर है, पहले काशी थोड़ा सा गंदगी रही, अब तो थोड़ा, आज हम लोग काशी में इतना गर्व तक हम लोग काशी की पहचान हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग देश विदेश में भी काशी को लोग जानने लगा और यहाँ सब लोग आने के लिए उत्सुक हो रहा है, बहुत गर्व हो रहा है कि हम लोग काशी की पहचान मिल गई है। आज काशी को पहचान जी जी मिल गई, बहुत खुशी हो रही है कि विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना उसकी वजह से और हम लोग को पहचान अब मिल रही है काशी को। आने वाले टाइम पे 2022 में चुनाव भी है, कुछ लोग इसको चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है? उसके बारे में कहना ये गलत बात है, चुनाव से नहीं, ये तो हम लोग की काशी, इसको हम लोग का पहचान कार्यों से होती है। कि जिस तरह से काशी में आज बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि भगवान शिव स्वयं आज धरती पर प्रकट होकर धरती को स्पर्श करके गए हैं, तो आपको कैसी अनुभूति होती है नमामि गंगे की टीम, क्योंकि माता गंगा का अवतरण भगवान शिव के जटाओं से हुआ है, क्योंकि जब वो स्वर्ग लोक से आई थी तो भगवान शिव की जटाओं में आई थी, उन्हीं की जटाओं से धरती पे उनका अवतरण हुआ है, तो आपको कैसी अनुभूति हो रही है? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है आज देख करके ये सब। काशी भी अपने आप में हम लोग को धन्य समझते हैं कि हम लोग यहाँ पे यहाँ के रहने वाले हैं। हम लोग को बहुत ही आनंद आया आज का भी ये कार्यक्रम देख करके, जैसे मोदी जी ने वहाँ के कॉरिडोर का, विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का लोकार्पण किया है, उसके लिए भी हम लोग को बहुत खुशी हुई। दिव्य काशी, भव्य काशी, बहुत ही आनंद आ रहा है हम लोग को कि यहाँ पे नमामि गंगे की सदस्य भी हम लोग हैं। यहाँ पे सुबह सुबह हम लोग करके आ करके यहाँ सफाई भी करते हैं, कई सालों से हम लोग जुड़े हुए हैं, सबको जागरूक करते हैं जनता को कि आप लोग भी सफाई रखिए, यहाँ पे साबुन मत लगाइए, यहाँ पॉलिथीन मत फेंकिए, कुछ भी पानी में आप लोग मत फेंकिए, इससे गंदगी ही फैलेगी। हम लोग भी सफाई करते हैं और जनता को भी जागरूक करते हैं कि आप लोग भी सफाई पर ध्यान देंगे तभी इसका सुंदरता बढ़ेगी, तभी स्वच्छ काशी सुंदर काशी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंदिर प्रांगण में सफाई कर्मचारियों के साथ में भोजन किया, इससे क्या संदेश समझते हैं आप लोग? बहुत ही अच्छा संदेश गया है। वैसे तो मोदी जी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास है ही, और ये चीज बहुत अच्छा है कि वो मतलब एक जो छुआछूत का जो रहता है, जातिवाद का रहता है, ये मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी, ऐसा सबको करना चाहिए, क्योंकि ये जातिवाद और ये जो जातवाद का भेद की लोग करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ही जो है कि देश को हम लोग के पीछे ले जाता है। तो ये आज मोदी जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और इससे पहले भी वो करते ही आए हैं। देश को, देश की जनता को आप लोग क्या संदेश देना चाहते हो अपनी टीम की तरफ, नमामि गंगे की टीम की तरफ? हम लोग देश की जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारी माँ गंगा जो कि माता है हम लोग की, और जो है कि राजा भागीरथ ने उन्हें स्वर्ग से ले आया है, तो उसमें गंगा गंदा कपड़े न फेंके, उसे स्वच्छ रखे, उसमें शैम्पू ना करे, उसमें साबुन न डाले। कितने लोग क्या करते हैं, घर से कूड़े मूर्ति हुआ और जो भी उनके घर का माला फूल वगैरह ला के गंगा में डाल देते हैं, तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जैसे हम अपना घर स्वच्छ रखते हैं वैसे ही गंगा माँ को भी स्वच्छ रखा जाए। नमामि गंगे से आप कब से जुड़े हैं? हम नमामि गंगे से पिछले साल भर से जुड़ा हूँ मैं। अच्छा, एक वर्ष से मैं जुड़ा हुआ हूँ। पहले यहाँ पे स्वच्छता पर मैं आता था, मैं यहीं दशाश्वमेध में चौक के साइड रहता हूँ। यहाँ गंदगी बहुत रहती थी, लोग कहीं भी थूक दे, कुछ कह दे, किसी को मना करो तो कहते क्यों फेंकेंगे। स्वच्छता होना बहुत ज़रूरी है। हर हर गंगे, नमामि गंगे, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, ये थी हमारे साथ नमामि गंगे की टीम, जो पिछले कई वर्षों से माता गंगा की साफ सफाई का कार्य बनारस में और बनारस के अलावा बहुत सारे राज्यों में देख रही है, जो गंगा की सफाई के लिए काम करते हैं। तो आगे की अपडेट के लिए भी देखते रहिए अखिल भारत न्यूज़। नमस्कार।